दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। हम सबको पता है कि वोमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2021 में खेला जाना है और इसमें 10 से 12 टीमें जो है क्वालिफाई करेगी और खेलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये वर्ल्ड कप जो है इस तरह पर है ना कि जो टीमें जो है बायलैटरल सीरीज खेलेगी, ठीक है, जो उसकी रैंकिंग पर जो है टीमें क्वालिफाई करेगी और आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। अब लेटेस्ट न्यूज सामने यह है कि इंडियन वोमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज खेली गई जानी थी ना जुलाई में और एंड नवंबर में, ठीक है, वो इंडिया ने क्या हम नहीं खेलते, तो वो पॉलिटिकल टर्म्स की वजह से दोनों के जो पॉइंट्स स्प्लिट हो गए और दोनों को आधे आधे पॉइंट्स दे दिए गए। समझो अगर 100 पॉइंट है 50 इंडिया को 50 पाकिस्तान को। और इस कोरोना वायरस की वजह से ना जितनी भी आईसी ने सीरीज रखी हुई थी ना और बायलैटरल सीरीज थी ना वो कैंसिल हो गई है और हर टीमों को पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की वोमेंस टीम के मैच थे उनके भी पॉइंट्स शेयर हो गए हैं। श्रीलंका और न्यूजीलैंड की जो वोमेंस टीम के मैचेस थे वो भी स्प्लिट हो गए। और जो पंडेमिक हुआ है ना कोरोना वायरस का, इसे जो भी वोमेंस मैचेस खेले जाने थे और शेड्यूल थे उनकी बायलैटरल सीरीज थी उनके जो पॉइंट्स है स्प्लिट हो गए हैं और पॉइंट्स आधे आधे बांट दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब जो टॉप 8 टीम्स हैं ना वो 110% क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, 2021 में। इंडिया तो क्वालिफाई कर गया, ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई करके, जो बाकी 6 टीम्स हैं वो पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, ये भी 110% क्वालिफाई कर लेगी क्योंकि अब मेंस क्रिकेट तो नहीं हो रही, ठीक है, साथ साथ वोमेंस की भी क्रिकेट नहीं हो रही, तो मुझे लगता है अगले 3 महीने तक तो कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, ठीक है। और जो भी मैचेस थे उनके जो पॉइंट्स है वो स्प्लिट कर दी जाएंगे और 2021 का जो वर्ल्ड कप है उसमें यही 10 टीमें तो खेलेगी और 2 टीमें आ जाएगी। तो मेन मुद्दे की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के जहाँ जहाँ भी मैचेस हैं ना क्रिकेट में वो मसला करते ही है, या वो अंडर 19 लेवल पे हो, या वो वोमेंस लेवल पे हो, या वो नेशनल साइड टी20 वनडे टेस्ट में हो, इंडिया और पाकिस्तान के लांझे होते हैं कि गवर्नमेंट हमें नहीं छोड़ती है, हमें प्रेशर है, नहीं है। हॉकी में लांझे नहीं होते, कबड्डी में लांझे नहीं होते, लेकिन होते तो क्रिकेट में लांझे होते क्योंकि दुनिया को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है राइवलरी और क्रिकेट में इनकी सही टसल भी होती है, मसल भी होती है। तो ये न्यूज़ थी कि 2021 के वर्ल्ड कप के लिए इंडिया क्वालिफाई कर गई है और जो भी सीरीज खेली जानी थी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की उनके पॉइंट बांट दिए गए, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की जो सीरीज खेली जाती थी वो पॉइंट बांट दी है और पाकिस्तान और इंडिया की जो 2 सीरीज खेली जानी थी एक नवंबर में जुलाई में उनके पॉइंट भी बांट दिए ड्यू टू दिस कोरोना वायरस और ये सीरीज नहीं खेली जाएगी और पॉइंट जो है आधे आधे कर दिए गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोग के लिए रोज़ क्रिकेट ओपिनियन क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हमें चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।